जी आपसे मैं सच कह रही हूँ, आप जानती है ना मैं आपसे झूठ नहीं बोलती। मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाली थी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी माँ जी। अच्छा, तुम सब बताने वाली थी तो फिर बताया क्यों नहीं? बोलो गोपी बहू, या फिर बाद में कुछ और सोच लिया तुमने? तब जब तुम्हारी मामी तुम्हारे सामने रोई होंगी, गिड़गिड़ाई होंगी और तुम्हें ये सच न बताने की कसमें दिलाई होंगी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात, ऐसा ही है गोपी बहू। आज तुमने सच्चाई नहीं बताकर मेरा दिल तोड़ दिया है, ठेस पहुंचाई है तुमने मुझे गोपी बहू। इतनी समझ तो तुम में है ही कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठाकुर जी, इस घर में ये सब क्या हो रहा है? आप तो मेरी बात सुनी, इस बात को छिपाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सच्ची कहती हूँ काकी जी, गोपी मुझे तेरी हर बात पर यकीन है, पर बेटा तू समय जाते बता देती तो हमारी कोकिला उस जेल से थोड़ा जल्दी छूट जाती। गोपी, कम से कम मुझे बताया था। अगर मैंने ये सब अपनी कानों से नहीं सुना होता भाई, तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप इतनी हद तक गिर सकती। किंजल हूं तने पाछो बोलू छू, अपनी हद में रहे और मेरे मामलों में टांग मत अड़ा। आपका मामला? आपकी वजह से भाई मेरी माँ जेल में गई। अगर ये आप ही का मामला था तो जेल तो आपको जाना चाहिए था। आपको किंजल, चुप जा। ज्यादा चीखिए मत, वरना जो कुछ कारनामे आपने किए थे वो मैं पुलिस को फोन करके बता दूंगी और आपको जेल भेज दूंगी, समझी आप? धवल, देख काली धनियानी मेरे साथ कैसे बात कर रही है, इनी हिम्मत तो जो। अरे पहले अपनी जिंदगी तो सुधार ले, अपने पति को संभाले जो तुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है और मुझे ज्ञान देने चली है। फाई, आज शायद पहली बार किंजल जी सही कह रही। अरे भी इसकी तरफदारी कर रहा है? नहीं फाई, मैं सच की तरफदारी कर रहा हूं और आपने जो कुछ भी किया ना वो बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत।
गोपी, मोम की नाराजगी तो बनती है। इतनी बड़ी बात होगी तो तुमने किसी को बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? और जब तुम्हें पहले से पता ही था तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। अहम जी, मेरा यकीन मानिए, ये बात जब मुझे पता चली थी, मैंने मामी जी से कहा भी था कि मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी, लेकिन तभी मामी जी ने बाजी को जेल से छुड़ाने के लिए वो मिठाई वाली योजना बना ली। और मैंने सोचा कि ये सबसे अगर परिवार की इज्जत बनी रहे तो अच्छा ही है। पर अहम जी, माजी के जेल से छूटने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि माजी को मैं सब कुछ बता दूं। होलिका दहन के दिन मामी जी के घर पे हर बार मैंने कोशिश की, लेकिन मामी जी हर बार किसी ना किसी बहाने से बीच में आ गए और मुझे मौका नहीं मिलता। आप ही बताइए ना अहम जी, मैं क्या करती? गोपी, अगर तुमने मुझे पहले से बता दिया होता तो मैं कैसे भी करके तुम्हारी हेल्प जरूर करता, पर अब स्वभाव है मात्र जहरीला डंक देना। ज्यादा चीखिए मत, वरना जो कुछ कारनामे आपने किए थे वो मैं पुलिस को फोन करके बता दूंगी और आपको जेल भेज दूंगी। शायद पहली बार किंजल जी सच कह रहे हैं, और आपने जो कुछ भी किया ना वो बहुत गलत गलत था। काकी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते। परिवार तो काकड़ी और छोटी काकड़ी को तो सबक सिखाना ही होगा। सच जो बोलती थी काकड़ी, मैं नाग हूं, इस बार ऐसा टसोगी कि तू पानी भी नहीं मांगी।